का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे रायपुर से खबर। मंत्री शिव डहरिया का एक विवादित बयान क्या सामने आया, इसके बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन उस बयान के बाद तुरंत उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। बलरामपुर रेप घटना को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था, अब उन्होंने कहा है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बलरामपुर रेप घटना को छोटा बताने की कोई मंशा नहीं, यूपी में हुई घटना की तरह छत्तीसगढ़ सरकार लापरवाह लेकिन नहीं है, ये भी उन्होंने तंज कसा। बलरामपुर रेप घटना पर तत्काल कार्रवाई की गई है, रेप की घटनाओं को मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध मानते हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बलरामपुर में रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस से छोटी है। तो इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी सामने आया। बीजेपी ने इस पूरे बयान को लेकर काफ़ी आक्रामक भी दिखाई थी और आक्रोश भी जताया। अब इसको लेकर मंत्री शिव डहरिया ने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरे आज के पत्रकार वार्ता में जो बातें आई है उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं। मैंने दुष्कर्म की घटना को छोटी घटना नहीं कहा है, दुष्कर्म की घटना हमेशा बड़ी घटना होती है, और मैंने दुष्कर्म के बाद हुए घटनाक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे, दुष्कर्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। तो कृपया मेरे इस बयान को सुधार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।